गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आपका स्वागत है आज के सेशन में। इसके पहले जो सेशन हम लोगों ने किया था, जिसमें हम लोगों ने चैप्टर 2 का पार्ट 1 बना के मैंने आपको अपलोड करवाया था, एंड जिसमें हम हिस्टोरियोग्राफी के बारे में पढ़ रहे थे, जो इंडिया की हिस्टोरियोग्राफी है। फाइन, तो उसमें हमने बहुत से चीज़ों को कवर किया। फाइन, कैसे हिस्टोरियंस लोगों ने अपनी हिस्ट्री को दर्शाया है, लिखा है, ये सब बातें हमने उसमें देखी। राइट, सो आज के सेशन में हम आने वाले जो कंसेप्ट हैं उसको कवर कर रहे हैं। राइट, सो इसमें दिया गया है इंडियन हिस्टोरियोग्राफी वेरियस आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क्स। फाइन, एंड ऑफ द चैप्टर में एक थोड़ा सा रिकैप भी कर लेंगे और पर आज के टॉपिक को हम धीरे धीरे सीखते हैं। कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी सबसे पहला कंसेप्ट। द अर्ली स्कॉलर्स हु स्टडीड एंड रोट इंडियन हिस्ट्री वेर मेनली ब्रिटिश ऑफिशर्स एंड क्रिश्चियन मिशनरीज। तो ये बताता है कॉलोनियल मतलब क्या होता है। जो ब्रिटिशर्स थे ये उनकी कॉलोनी से बिलोंग करता था, एंड जो इंडियन हिस्ट्री जिन्होंने लिखी वो ज़्यादातर ब्रिटिश ही थे, और साथ साथ में कुछ लोग क्रिश्चियन मिशनरीज थे। मिशनरीज मतलब क्या होता है? ये वो किस्म के लोग होते हैं जो आपको धर्म परिवर्तन के लिए कहते हैं। राइट, अभी क्रिश्चियन मिशनरीज कहूँगा तो वो लोग क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करते हैं और क्रिश्चियन में आने के लिए लोगों से कहते हैं। दैट्स कॉल्ड एज अ क्रिश्चियन मिशनरीज। देयर प्रेजुडिस इज क्लियरली रिफ्लेक्टेड इन द वे सम ऑफ देम हैव रिडिकुल्ड इंडियन कल्चर। ये बात साफ साफ दिखाई देती थी, हमें पता चल जाता था कि कैसे इन लोगों ने इंडियन कल्चर को एकदम रौंद के रख दिया, एकदम बर्बाद करके रख दिया। द राइटिंग्स वेर यूज टू जस्टिफाई द कॉलोनियल ब्रिटिश रूल। द 5 वॉल्यूम्स ऑफ कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया पब्लिश्ड ड्यूरिंग 1927 CE आर डिस्टिंक्ट एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी। मतलब 1922 से लेकर 1937 तक जो हिस्ट्री छपी वो इन लोगों ने लिखी थी, तो और इन लोगों ने इसके अंदर इंडिया की जो हिस्ट्री है उसको तो एकदम ही बुरी तरीके से बताया। दैट मीन्स ये कॉलोनियल था तो ब्रिटिशर्स वाले अपनी ही तारीफ करेंगे उसमें, इसमें और कोई कॉन्सेप्ट तो आएगा भी नहीं। देन ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। Many European scholars felt curious about civilization and countries of the East. अभी यूरोपियन जो स्कॉलर्स थे, मतलब जो यूरोपियंस में बहुत ज़्यादा जिनको पता है उनको के स्कॉलर्स कहते हैं। Some of those scholars felt admiration and respect for them. These scholars were known as the Orientalists. The Orientalists studied the similarities between Sanskrit and some of the European languages. इन लोगों ने क्या किया, संस्कृत जो भाषा हमारे कंट्री की उसको और अपनी खुद की यूरोपियन लैंग्वेज को सिमिलरिटी वे में स्टडी किया, तो उन्होंने पाया कि जो बहुत कुछ ओरिजिनेशन है वो संस्कृत से हुआ है। दे फोकस्ड मोर ऑन वैदिक ट्रेडिशन एंड संस्कृत लिटरेचर। द स्टडीज रिजल्टेड इन टू फॉर्मुलेटिंग द नोशन ऑफ एन एंशियंट लैंग्वेज दैट वुड बी द मदर ऑफ ऑल द इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस। यस, कहते हैं ना संस्कृत इज द मदर ऑफ ऑल द इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस। जैसे सब जानते हैं बहुत सी भाषाओं में आज जो सेंटेंसेस बनते हैं, जो वर्ड्स आए हैं, ये मोस्ट प्रोबेबली संस्कृत से लिए गए हैं, सब जानते हैं, क्योंकि सबसे पहले लैंग्वेज यही थी, उसके बाद लोगों ने इसको धीरे धीरे सीखा। देन नेक्स्ट, इन 1784 सर विलियम जोन फाउंडेड एशियाटिक सोसाइटी इन कोलकाता। इट ओपन द डोर्स फॉर रिसर्च इन एंशियंट इंडियन लिटरेचर एंड हिस्ट्री। यस, सर विलियम जोन जो थे 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की इन्होंने फाउंडेड किया, स्थापना की, और इसके अंदर जो हमारी इंडिया की जो एंशियंट लिटरेचर है वो हम इसमें स्टडी करते हैं। Among the Orientalist scholars, Friedrich Max Müller deserve a special mention. उनका नाम सबसे स्पेशलिटी में दिया है।
In his opinion, Sanskrit was the most ancient language of Indo-European languages. Yes, इनके हिसाब से भी यही था कि संस्कृत जो भाषा है वो सबसे ancient languages है Indo-European की. He was deeply interested in Sanskrit literature. Yes, उनको संस्कृत लिटरेचर काफ़ी बेहद पसंद था. He first translated the Sanskrit text of Hitopadesh. संस्कृत में से लिया गया एक हितोपदेश जो एक टेक्स्ट है वो इन्होंने जर्मन भाषा में इसको कन्वर्ट किया. ही वॉज एडिटर ऑफ 50 वॉल्यूम्स, मतलब 50 किताबें अलग अलग बनी थी, द सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट. ही ऑल्सो कंपाइल्ड ऋग्वेद विच हैज़ बिन पब्लिश्ड इन 6 वॉल्यूम्स. ही ट्रांसलेटेड ऋग्वेद इन जर्मन. लेटली एडवर्ड सेट, अ स्कॉलर हु इज री इवेल्युएटेड द ओरिएंटलिस्ट राइटिंग, ही थ्रोन लाइट ऑन इम्पीरियलिस्टिक इंटरेस्ट ऑफ ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर्स. फाइन, सो ये इतनी चीज़ें देखने को मिली यहाँ पे, कैसे इन्होंने जर्मन भाषा में कन्वर्ट किया फ्रेडरिच मैक्स मुलर. देन आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी. नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी क्या कहता है? द राइटिंग ऑफ इंडियन हिस्टोरियंस हु वर ट्रेंड इन द ब्रिटिश एजुकेशनल सिस्टम शोन एन इंक्लाइनेशन टू रिस्टोर द प्राइड ऑफ द एंशियंट ग्लोरी ऑफ इंडिया एंड सेल्फ इस्टीम ऑफ द इंडियन रीडर्स. यस, ये हमें पता चल चुका था कि जो इंडियन हिस्टोरियंस थे जिन्होंने ब्रिटिश के अंडर ट्रेनिंग ली थी, उन्होंने खुद बताया कि कैसे किस तरीके से ब्रिटिश वालों ने उनकी खुद की हिस्ट्री को एकदम रौंद के रख दिया. देयर राइटिंग्स आर नोन एज अ नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी. नेशनलिस्टिक राइटिंग इन महाराष्ट्र वेर इंस्पायर्ड बाय विष्णु शास्त्री चिपलूनकर. ही क्रिटिसाइज द प्रेजुडिस हिस्ट्री ऑफ इंडिया, एंशियंट इंडिया रिटन बाय ब्रिटिश ऑफिशर्स. इन्होंने करेक्शन किया, जो चीज़ें ब्रिटिश वालों ने गलत की थी वो इन्होंने इसमें क्या की, ठीक की. ही क्रिटिसाइज द प्रेजुडाइज हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया रिटन बाय ऑफिसर्स. इन्होंने पूरी आलोचना की कि कैसे ब्रिटिश वालों ने बहुत सी चीज़ों को तोड़ मरोड़ के बताया. देन द नेशनलिस्टिक हिस्टोरियन ट्राइड टू सीक द गोल्डन ईरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री. दे आर एट द टाइम्स ब्लेम फॉर इग्नोरिंग द क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द हिस्टोरिकल ट्रुथ. महादेव गोविंद रानाडे, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, विनायक दामोदर सावरकर, राजेंद्र लाल मिश्रा, रमेश चंद्र मजूमदार, काशी प्रसाद जायसवाल, राधा कुमुद मुखर्जी, भगवान लाल इंद्रजी, वासुदेव विष्णु मीराशी एंड अनंत सदाशिव अलतेकर आर द नेम्स ऑफ सम रिनोन स्कॉलर अमंग द नेशनलिस्टिक हिस्टोरियन. ये वो लोग थे जिन्होंने इंडिया की हिस्ट्री को भी लिखा था, बट पहले की किताबों में कभी इनका जिक्र नहीं हुआ. और इन्होंने अब जो चेंजेस लेकर आए हैं वो अभी पता चल चुके हैं, और अब इनके नाम भी हमारी हिस्ट्री की बुक्स में शामिल किए गए. नेक्स्ट, रजावड़े इज़ वेल नोन फॉर हिज राइटिंग इन मराठी ऑन वेराइड सब्जेक्ट लाइक हिस्ट्री, लिंग्विस्टिक, इटोमोलॉजी, ग्रामर एक्सेट्रा. ही वॉज वन ऑफ द फर्म ओपिनियन दैट वी शुड राइट अवर ओन हिस्ट्री. यस, इन्होंने सबसे पहले कहा कि हमें खुद की हिस्ट्री लिखनी चाहिए. ही कंपाइल्ड एंड एडिटेड 22 वॉल्यूम ऑफ मराठांचा इतिहास इतिहासाची साधने. 22 किताबें इन्होंने लिखी. ही रोट वेरी स्कॉलरली प्रिफेस टू ईच ऑफ 22 वॉल्यूम्स. ही स्टेटेड हिस्ट्री इज़ द ऑल इंक्लूसिव इमेज ऑफ पास्ट सोसाइटी. इन्होंने कहा कि हिस्ट्री ही हमारे पुराने ज़माने की जो पूरी बातें हैं वो इसमें ही हमें पता चल सकती हैं, और कहीं नहीं. देन इट डज नॉट इंक्लूड एनी ऑफ ओनली स्टोरीज ऑफ द पॉलिटिकल इमेजेस, कॉन्स्पिरसीज, मतलब साजिश, एंड वॉर फॉर सीजिंग पावर. ही इंसिस्टेड दैट हिस्ट्री शुड बी रिटन ओनली यूजिंग द ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्री सोर्स. इनका ये कहना था कि अगर हिस्ट्री हम लिखते हैं तो हमारे पास जो ऑथेंटिक सोर्स है
उसी के आधार पर हिस्ट्री लिखी जानी चाहिए। द नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी हेल्प इन द ट्रिगरिंग ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट ऑफ द इंडियन पीपल अगेंस्ट द ब्रिटिश। इन दिस एस्पेक्ट द बुक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 विच वॉज रिटन बाय विनायक दामोदर सावरकर इज ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस। यस, इंडिया के बहुत बड़े पहले के क्रांतिकारी थे, देश को आज़ादी दिलाने में इनका एक बहुत ही बड़ा योगदान था, विनायक दामोदर सावरकर। इन्होंने और भी काफ़ी क्षेत्रों में अपना काम किया था, जैसे कि अनटचेबिलिटी को लेके हुआ, या फिर जो छोटी जाति की जो कंसेप्ट है उसको भी इन्होंने दर्शाया था, ताकि लोगों को पता चले कि छोटी जाति और अनटचेबिलिटी का कंसेप्ट किस तरीके का चल रहा है। तो ये भी उन्होंने बताया था। द नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी प्रोवाइडेड ए मोमेंटम टू द राइटिंग ऑफ रीजनल हिस्ट्रीज टू। एज अ रिजल्ट द अटेंशन ऑफ हिस्टोरियन वर ड्रॉन टू द ज्योग्राफिक कंडीशंस एंड द हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडियन रीजन। यस, कि हमेशा ये नॉर्थ इंडिया की हिस्ट्री पे फोकस था, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे वो नॉर्थ में थे, साउथ के बारे में कोई कहा सुनी होती नहीं थी। बट बाद में उसके बाद ये चीज़ भी पता चली और ये कंसेप्ट भी जोड़ा गया। हिस्टोरियोग्राफी इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस हीरा। नाउ अलॉन्ग विद द राइटिंग द डायनेस्टिक स्टोरीज हिस्ट्रीज द कल्चर सोशल इकोनॉमिक हिस्ट्रीज आर ऑल्सो बिंग रिटन। अब चलो इतना कुछ हो गया तो अब थोड़ा कल्चर के बारे में भी लिख देते हैं। स्कॉलर्स ऑफ द पोस्ट इंडिपेंडेंस हीरा बिगिन टू फील द नीड ऑफ राइटिंग हिस्ट्रीज ऑफ वेरियस कम्युनिटीज। अलग अलग जो प्रजाति के लोग हैं, अलग अलग कम्युनिटीज़ के, साइंस, इकोनॉमिक सिस्टम, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, कल्चर, रिस्पेक्ट, सबका अलग अलग होता है, उसको लिखो। द हिस्टोरियोग्राफी ऑफ दिस ईरा हैज़ बिन इन्फ्लुएंस मेनली बाय थ्री आइडियोलॉजिकल स्कूल। तीन सिद्धांतों पे लिखा जाएगा। मार्क्सिस हिस्ट्री, मार्क्सिस मतलब मैं बोल सकता हूँ एक काल मार्क्स जो है उसके ऊपर है। सबलेटन हिस्ट्री एंड फेमिनिस्ट हिस्ट्री, ये तीन टाइप की हिस्ट्री थी जिसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले आता है मार्क्सिस हिस्ट्री। इसमें क्या था, द कंसर्न फॉर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, द मोड्स ऑफ प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन वेर द सेंटर ऑफ द राइटिंग इन द ऑफ द मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस अकॉर्डिंगली टू एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ एवरी सोशल इवेंट ऑफ सिग्निफिकेंस हैज़ रिमेन द बेसिक थीम ऑफ मार्क्सिस हिस्ट्री। कार्ल मार्क्स की हिस्ट्री थी। द मार्क्सिस हिस्टोरियंस इन इंडिया स्टडीड द ट्रांजिशन विद इन द कास्ट सिस्टम। अमंग इंडियन हिस्टोरियंस हु अडॉप्टेड मार्क्सिस आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क स्कॉलर्स लाइक दामोदर धर्मानंद कौशाम्बी, कॉमरेड श्रीपद अमृत दांगे, रामशरण शर्मा, कॉमरेड शरद पाटिल हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड नोटिबली। कॉमरेड डांगे वॉज वन ऑफ द फाउंडर मेंबर ऑफ द इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी। प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी द बुक रिटन बाय हिम रिप्रेजेंट मार्क्सिस हिस्टोरियोग्राफी। तो कार्ल मार्क्स एक अलग ही लेवल के फिलोसोफर थे जिन्होंने रशिया में काफ़ी नाम कमाया। ही वॉज अ जर्मन फिलोसोफर बट रशिया में उनका आज उनको एक बहुत आदर से सम्मान किया जाता है। रीज़न उनका ये था कि कार्ल मार्क्स की सोच इतनी गहरी थी कि वो लोगों में बदलाव लेके आ चुके थे। तो उसी को कंसेप्ट लेके हमारे हिस्टोरियंस ने कहा कि कार्ल मार्क्स की इन बातों को हम भी इसमें ले सकते हैं। सबलेटन हिस्ट्री नेक्स्ट पॉइंट है ये। सबलेटन हिस्ट्री क्या कहता है, द सीड ऑफ सबलेटन हिस्ट्री आर फाउंड इन द मार्क्सिस हिस्ट्री। यस, अब मार्क्स कार्ल मार्क्स की जो हिस्ट्री है वो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, तो उसकी जो जड़ें हैं वो वहीं पे छुपी हुई है। द रोल ऑफ द इटालियन हिस्टोरियन एंटोनियो ग्राम्स्की इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन डेवलपिंग द आइडिया दैट हिस्ट्री शुड बी रिटन स्टार्टिंग फ्रॉम द बॉटम मोस्ट रैंक ऑफ द पीपल इन द सोसाइटी। यस, उनका ये कहना था कि अगर हिस्ट्री आप लिख रहे हो तो सबसे पहले आप जो शुरू करते हो वो आप छोटे तबके के लोगों के तौर पे शुरू करिए। आप डायरेक्ट बड़े आदमियों के बारे में लिख देते हैं तो ये कोई कंसेप्ट नहीं है।
आप सबसे पहले उनको लेके आइए फोकस में। इनफैक्ट सबल्टन मीन्स द बॉटम मोस्ट श्राइन। यस, सबल्टन का मतलब ही होता है छोटे से शुरू करना, राइट। फोकलोर हैज बीन कंसिडर्ड एज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ राइटिंग सबल्टन हिस्ट्री। रंजीत गुहा, एन इंडियन हिस्टोरियन, प्लेड ए मेजर रोल इन एस्टैब्लिशिंग सबल्टन हिस्ट्री एज एन इम्पॉर्टेंट एकेडमिक स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी। हाउएवर, वी मे पॉइंट आउट दैट मच बिफोर द ऑनसेट ऑफ सबल्टन आइडियोलॉजी सिमिलर थाट्स वेर एक्सप्रेस बाय महात्मा ज्योतिराव फुले एंड डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। महात्मा ज्योतिराव फुले के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। ही वॉज द पाइनियर ऑफ स्टार्टिंग द गर्ल्स स्कूल इन इंडिया। एंड उनकी जो वाइफ थी सावित्री बाई फुले, वो पहली लेडी टीचर थी पुणे में। इन्होंने सबसे पहले शुरू किया था गर्ल्स का स्कूल, एंड साथ साथ में इन्होंने बहुत सी सामाजिक बदलाव लेकर आए थे। महात्मा फुले अनफोल्डेड द हिस्ट्री ऑफ शुद्र अति शुद्र कम्युनिटी इन हिज बुक गुलामगिरी, एंड ही ड्रॉ अटेंशन टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द वुमेन शुद्रास एंड अति शुद्र डन अंडर द नेम ऑफ रिलीजन। जो रिलीज वुमेन्स के साथ जो गलत चीज़ें होती हैं शुद्र अति शुद्र के नाम पे, उन चीज़ों को इन्होंने बहुत फोकस में लेकर आए, और ताकि लोगों को बताया कि धर्म के नाम पे इनके साथ भी गलत होता है। कटम शुद्र एंड अति शुद्र इंडिकेट द बॉटम मोस्ट रैंक इन द कास्ट सिस्टम। यस, कास्ट सिस्टम एक ऐसा अभिशाप है जहाँ पे ये छोटा बड़ा ये सब चीज़ें बताते थे। द रोल ऑफ द पीपल बिलोंगिंग टू द दलित कास्ट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट इन द शेपिंग ऑफ वेरियस कल्चर एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ इंडिया। इज दलित कास्ट जो छोटी जाति के लोग होते हैं उनसे कहा जाता है SC ST OBC। हाउएवर, द रोल वॉज नॉट ड्यूली एक्नॉलेज इन द कॉलोनियल एंड नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी। उनके रोल को लेकिन आज भी हिस्टोरियोग्राफी में कोई खास जगह मिली नहीं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर फोकस ऑन दिस फैक्ट consistently wrote about it two of his book Who Were the Shudras and the Untouchables may be cited as an example of the subaltern type। ये इन्होंने इस चीज़ को बहुत ही जोर दिया कि शुद्रास है कौन और अनटचेबल किस प्रकार के होते हैं बताइए, समाज से एक सवाल किया। नेक्स्ट जो हिस्ट्री है ये है फेमिनिस्ट हिस्ट्री। ओवर ए सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ टाइम Many male scholars were involved in the writing of Indian history. As a result, the role and achievement of women in the history remained neglected. चलो अब तक जो हिस्ट्री बताने वाले स्कॉलर्स आए वो सब मेल थे, बट इसमें अब किसी वुमेन ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया और उन्होंने बताया कि कैसे किस प्रकार से अब तक के हिस्टोरियंस ने वुमेन्स को इग्नोर किया है। देन फेमिनिस्ट हिस्ट्री में क्या आता है देखते हैं। To highlight this fact was a major task faced by the feminist historians. Also, it was important to study and compile the historical writing of women. It was also necessary to rethink of women's position in history. Yes, इन्होंने एक सवाल किया समाज के बड़े बड़े स्कॉलरों से कि आपके हिसाब से वुमेन की क्या पोजिशन है। एंड देन Among the women author writing about women in the 19th century, Tarabai Shinde was the foremost one. She wrote attacking the male-dominated social system and the caste system. Her book Stri Purush Tulna, इनकी किताब थी उसका नाम था स्त्री पुरुष तुलना, published in 1882, is acknowledged as the first feminist book in India. In 1888, the book written by Pandita Ramabai was published and titled The High Caste Hindu Woman. The feminist literature of the post-independence era concentrated on the issues like employment of women, उन्होंने इस चीज़ों पर भी बताया, social issues, treatment meted out them at the workplace, कैसे इनके साथ व्यवहार होता है काम की जगह पे, और द राइट टू पॉलिटिकल इक्वालिटी अमंग द रिसेंटली पब्लिश फेमिनिस्ट लिटरेचर मीरा कौशाम्बी बुक क्रॉसिंग थ्रेश होल्ड फेमिनिस्ट एसे इन द सोशल हिस्ट्री इज ऑफ इम्पॉर्टेंस। इट कंटेन्स एसे ऑन द लाइफ स्टोरीज ऑफ वुमेन्स लाइक पंडिता रमाबाई एंड डॉक्टर
रुकमाबाई द फर्स्ट प्रैक्टिसिंग लेडी डॉक्टर ऑफ इंडिया, ये पहली लेडी थी डॉक्टर रुकमाबाई जिन्होंने पहली लेडी डॉक्टर का एक नाम हासिल किया। द व्यू पॉइंट ऑफ दलित वुमेन इन महाराष्ट्र डॉक्टर शर्मिला रेगे वर्क इज नोट वर्दी इन दिस टेक्स्ट। हर बुक राइटिंग कास्ट राइटिंग जेंडर रीडिंग दलित वुमेन टेस्टिमनीज इंक्लूड्स हर एसे ऑन द ऑटोबायोग्राफीज ऑफ दलित वुमेन। देर हैव बीन अ नंबर ऑफ इंडियन हिस्टोरियंस हु रोट विदाउट एम्ब्रेसिंग ए पर्टिकुलर आइडियोलॉजी, अमंग देम हिस्टोरियंस लाइक सर जड्डूनाथ सरकार, सुरेंद्रनाथ सेन, रिया सत्कार, जी ए सरदेसाई एंड त्रिंबक शंकर सेजावलकर आर नोट वर्थी। इन द रिसेंट टाइम्स हिस्टोरियंस लाइक यशवंत दिनकर फड़के, रामचंद्र गुहा हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड एक्सटेंसिवली टू द हिस्टोरियोग्राफी ऑफ मॉडर्न इंडिया। यस, इनकी कुछ इनकी बात इनकी बताई गई कुछ चीज़ें जिनसे हमें पता चला कि हमारी इंडिया की हिस्ट्री इस लेवल की भी है। Thus, it's an evident that Indian historiography has been influenced greatly by the social and political movements. It seems that some part of the Indian historiography was also developed outside the influence of these movements. So, इसी के साथ हमारा ये पहला दूसरा लेसन कंप्लीट होता है। इसके पीछे की एक्सरसाइज को आप देख लीजिए और ये आप इसको सॉल्व करिए, क्योंकि पूरा पीडीएफ आपके पास ही है। ऑलरेडी आप वीडियो में पूरा स्क्रीन देख ही रहे हैं, टेक्स्ट बुक आपके पास ही होगी। आप इसको ढूंढिए घर पे, आपके पास ये टास्क है, आप इसको ढूंढेंगे। जो जो इसमें ऑब्जेक्टिव लेवल के क्वेश्चन हैं आप इसको खुद कर सकते हैं, फाइन, बहुत ही आसान है। सो इसी के साथ मैं अपना ये सेकेंड लेसन का जो कंसेप्ट है ये कम्प्लीट करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो सेकेंड लेसन है आपका ये जो हिस्टोरियोग्राफी से रिलेटेड ये कम्प्लीट हुआ होगा और आपको आया भी होगा, फाइन। इसमें ज़्यादा डीपली कंसेप्ट ऐसे कुछ है नहीं, बस नाम दिए हिस्टोरियंस के आपको वो याद रखने, साथ साथ में हिस्टोरियोग्राफी में किन किन लोगों ने कंट्रीब्यूशन दिया है, कैसे ब्रिटिश वालों ने हमारी अब की हिस्ट्री को एकदम ही ख़राब करके बताया, फाइन, और कैसे हमारे नए हिस्टोरियंस ने हमें सच बात बताई, और वुमेंस के बारे में किस तरीके से इन्फ्लुएंस हुआ, ये सब चीज़ें आपको इसमें बस याद रखनी है। और पुराने हिस्टोरी जो मुग़ल के ज़माने में थे उन्होंने किस तरीके से अपनी हिस्टोरियंस की जो लेवल है उसको बनाया, ये इस लेसन में हम सीखने को मिलता है। सो आई एम जस्ट कम्प्लीटिंग दिस वीडियो टिल देन। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, कुछ और सेशन के साथ आएंगे हम, या तो पॉलिटिकल साइंस, या तो ज्योग्राफी, या तो फिर हिस्ट्री का कोई लेसन देखेंगे फिर से। तब तक आप जो स्टार्टिंग के दो लेसन हुए हैं अभी इसको मिला के और पॉलिटिकल साइंस है, आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, राइट। लॉकडाउन की सिचुएशन में आपको ये वीडियोस और आते रहेंगे। सो स्टूडेंट्स, टेक केयर योर सेल्फ एंड लिसन द लेक्चर्स वेरी केयरफुली। माइट बी आपको थोड़ा सा लगेगा कि ये थियोरेटिकल है, इसमें सिर्फ सुनना ही है, लिखा हुआ ही है, बट आप इसको आराम से सुनिए, आपको ये सब चीज़ें याद भी होंगी और आप याद रखोगे भी हमेशा के लिए, फाइन। सो टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।